नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भालके। राजघराने के दिग्गज ज्योतिरादित्य पर भारी पड़ गई मोदी सरकार की लोकप्रियता। कांग्रेस ही नहीं, पूरे प्रदेश के लोगों के लिए ये बात बेहद आश्चर्यजनक है कि शिवपुरी से कांग्रेस के दिग्गज नेता और महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार गए हैं। सवाल इस बात का है कि मोदी की लहर में कांग्रेस के सबसे मजबूत प्रत्याशी का किला कैसे धराशायी हो गया है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार का मतलब ये है कि ग्वालियर राजघराने का प्रभाव अब लगातार समाप्त होता जा रहा है। और इस हार ने ये भी साबित कर दिया है कि राजघराने पर मोदी सरकार की लोकप्रियता भारी पड़ गई है। शिवपुरी में ज्योतिरादित्य की पत्नी लगातार चुनाव कैंपेन में जुटी हुई थी और उन्हें कैंपेन में भारी जन समर्थन भी मिल रहा था। इधर ज्योतिरादित्य उत्तर प्रदेश में व्यस्त थे, वहां तो कुछ हासिल हुआ नहीं कांग्रेस को, और इधर ज्योतिरादित्य की नैया भी डूब गई है। कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य की हार को कांग्रेस ही आसानी से नहीं पचा पा रहे हैं। अगर सिंधिया घराने का इतिहास देखिए तो माधवराज सिंधिया लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, और एक समय तो ऐसा आया था कि उन्होंने भाजपा के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भी हरा दिया था। माधवराज सिंधिया की अचानक मृत्यु के बाद ज्योतिरादित्य सक्रिय हुए और वे भी कांग्रेस को एक अलग ही ऊंचाई पर ले गए। लेकिन अब इस हार ने ये साबित कर दिया है कि जब चुनावी आंधी चलती है तो अच्छों के तंबू उखड़ जाते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।